नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए महाशिवरात्रि पर्व की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत दुख देती थी, वहीं बहू सीधी साधी अपनी सास का अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार था। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। उसके पड़ोस में सभी लोग पकवान बनाकर सज सवर कर भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही बहू मंदिर जाने के लिए तैयार होकर सास के पास गई तो सास बोली, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माता जी, आज शिवरात्रि का त्योहार है, मैं शिवलिंग सींचने मंदिर जा रही हूँ। सास बोली, जाकर खेत में फसल को देख, कौवे और चिड़िया सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। तू मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या भगवान तुझे खाने के लिए दे देंगे? अब बेचारी बहू क्या करती, खेत पर चली गई। रास्ते में जाते हुए उसने लोगों को मंदिर की ओर जाते हुए देखा तो उसे रोना आ गया। वह खेतों पर जाकर खूब रोई। वहीं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माता पार्वती से उसका रोना देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, देखिए तो ये अबला नारी आपकी पूजा करने के लिए कैसे रो रही है। अब भगवान शिव और माता पार्वती एक सेठ और सेठानी का रूप लेकर बहू के पास गए और बोले, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब बहू बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का व्रत है, भोलेनाथ का सबसे बड़ा व्रत है। गांव की सभी औरतें व्रत कर रही हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग को सींच रही है, और मेरी सास ने मुझे खेतों पर कौवे और चिड़िया उड़ाने को भेजा है, और मैं अभागी आज के दिन चिड़ियाएं उड़ा रही हूँ। तब सेठ के रूप में आए भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। उन्होंने बहू को खूब सारा धन दौलत दिया और उसे कहा, तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल करूंगा। ये सुनकर बहू खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपने घर जाकर पूजा करने लगी। उसको देखकर सास ने पूछा, तू घर कैसे आ गई? तो बहू ने सेठ और सेठानी की सारी बात सास को बता दी। सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो देखती है उसके खेतों में फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे हैं। उसने बहू से इसके पीछे का कारण पूछा तो बहू ने भोलेनाथ की कृपा की सारी बात सास को बता दी। अब सास बोली, अच्छा ये बात है, तो अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत करूंगी। अगले वर्ष शिवरात्रि का त्योहार आया तो सास ने व्रत रखा, तैयार होकर खेतों पर पहुंची और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी के रूप में बुढ़िया के पास पहुंचे और पूछने लगे, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और उसने आज मुझे खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया, जबकि आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उससे कहा, तुम घर जाओ और अपना व्रत पूरा करो, हम तुम्हारे खेत की देखभाल करेंगे। तो बुढ़िया बोली, लेकिन आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तब भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही वो बुढ़िया अपने घर पहुंची तो उसके सारे शरीर पर छाले पड़ गए। बुढ़िया बहू को गालियां देने लगी। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया,
तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया था, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत किया था। अब सास और बहू दोनों भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु, मेरी सास को इस पाप से मुक्त कीजिए। तब भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया के शरीर पर पड़े छाले ठीक हो गए और उस दिन से दोनों सास बहू मिलकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।